अच्छा हमको माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे, और आप सबको और आपकी फैमिली को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आई होप आप बहुत खुश होंगे, आज ईद का दिन है और आज कोई भी सैड बात नहीं होगी, कोई भी अनहैप्पी बात नहीं होगी, सारी हैप्पी हैप्पी बातें होंगी क्योंकि आज ईद का दिन है। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और ये चांद रात थी और चांद देख लिया गया था, बैल्कनी में अभी हम लोग खड़े थे और दुआ मांग रहे थे जो कि चांद को देख कर मांगनी चाहिए। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ शीर खुरमा जो कि हर घर में चांद रात में बनता है, क्योंकि कुछ लोग उसे गर्म पसंद करते हैं और कुछ लोग ठंडा पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही थी शीर खुरमा, और मैंने जो है वो पैकेट वाला शीर खुरमा ही बनाया है। नॉर्मल शीर खुरमा भी बना लेती हूँ लेकिन ये भी काफ़ी मज़े का बनता है, तो मेरे पास पैकेट पड़ा हुआ था तो मैंने पैकेट वाला शीर खुरमा बना लिया है। लेकिन मैंने हाफ़ पैकेट बनाया क्योंकि सिर्फ मैं और हस्बैंड खाते हैं, बेटा नहीं खाता, तो मैंने हाफ लीटर मिल्क लिया था, उसमें हाफ़ पैकेट शीर खुरमे का डाल के और उसे बॉयल करने के लिए रख दिया था। और इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे, इसके सारी इंस्ट्रक्शंस पैकेट के पीछे लिखी होती है। और उसके साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ड्राई मिल्क, ड्राई मिल्क ऑप्शन है क्योंकि इन लोगों ने लिखा हुआ है ड्राई मिल्क डालने के लिए, लेकिन ड्राई मिल्क डालने से स्वीटनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ये टोटली ऑप्शन है। अगर आप थोड़े से स्वीट कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपको मीठा ज़्यादा नहीं खाना, तो फिर आप अवॉइड कीजिएगा, लेकिन अच्छे टेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये मेरे पास छोटे साशे पड़े हुए थे जो कि कॉफ़ी मेट होते हैं और मैं इसे कॉफ़ी में यूज़ करती हूँ। इसे सूखा दूध भी बोला जाता है, ड्राई मिल्क बोला जाता है, तो ये बीच में मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे तरीके से पकाऊँगी, और पकाने के बाद मैं इसे रेडी कर लूँगी। तो आप सब भी कमेंट्स में आए और प्लीज़ मेरे अगर चैनल को देखते हैं, व्यू करते हैं मेरे वीडियोस को, तो प्लीज़ सिर्फ दो चार वर्ड्स का कमेंट्स कर दिया करें और आगाह किया करें, और मेरी फैमिली मेरी यूट्यूब का हिस्सा बने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो व्यू करते हैं लेकिन कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते। तो प्लीज़ ये फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है के अपने व्यू से आगाह किया करें कि अगर आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आपको मेरा वीडियोस कैसी लगती हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी कल लंच की तैयारी कर रही थी, जिसमें मैं बना रही थी चिकन टिक्का ग्रिल करने के लिए, मैंने मैरिनेशन को रेडी किया था। और ये मैंने चिकन लिया है और इसमें मैंने कट लगा लिए हैं, छोटे छोटे कट लगा लिए हैं, मैंने चिकन को खुद ही काटा है क्योंकि अभी मैं लेकर आ रही हूँ पैकेट वाली चिकन, फ्रेश चिकन नहीं आ रही, बल्कि आ भी रही है लेकिन मेरे पास पहले पड़ी हुई थी, तो मैं ये अल इस्लामी की चिकन यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ओनियन को कट कर लिया और पोटैटोस ले लिए हैं, और ये इसके अंदर बहुत ही मज़े के लगते हैं, और ओनियन और पोटैटोस डालने से इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी बन जाती है। और ये आज मैंने लिया है चिकन टिक्का मसाला जो कि बयारा का है, बयारा के भी मसाले बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मैंने इसे यूज़ किया है। और आज ये मतलब कि चांद रात की मैरिनेशन है, ओवरनाइट मैंने मैरिनेशन की थी, लेकिन अगले दिन मैंने खाया था लेकिन इतना मज़े का नहीं बना जितना कि मतलब कि हम लोग शान का जो पैकेट वाला मसाला है वो यूज़ करते हैं। तो मैं अगर कंपैरिजन करूं तो मैं शान वाले पैकेट वाले मसाले को ज़्यादा मतलब के पॉइंट्स दूंगी। तो ये मैंने इसमें डाले हैं 3 टेबलस्पून भर के मैंने चिकन तंदूरी मसाला डाला है, उसके अलावा मैंने ओनियन पाउडर नहीं डाला क्योंकि ओनियंस डाले हैं, मैंने जिंजर गार्लिक पाउडर डाला है, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके अलावा ये मैंने विनीगर डाल दिया है 2 छोटे कप, जो इसके ऊपर इसका कैप होता है ना, मैं उसको उसी के अंदर डाल लेती हूँ, मतलब कि वो 2 कप छोटे छोटे डाल लेते हैं। ये दिजोन मस्टर्ड है, आप चाहे तो आप दूसरे वाला मस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो है वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और उसके अलावा मैंने चिली सॉस डाली है जो कि मेरे पास चिंग्स की है, और ये काफ़ी अच्छी है, मैं लेकर आई थी। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाल लिया है, आप सारे मसाले अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी रख सकते हैं, साथ में मैंने ऑयल डाला है, और कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले आप। और इसके बाद चिली फ्लेक्स डालूंगी थोड़े से, और ये सारे मसाले डाल के मैं इसके अच्छे तरीके से मैरिनेशन कर दूंगी। और मैंने अभी देखा था कि मैंने योगर्ट डालना भूल गई थी, मेरे दिन में बिल्कुल भी नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने दोबारा इसे निकाला और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून योगर्ट डाल दिया था, और ये 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने लेमन जूस डाला है। और इसी तरह इन सारे मसालों को डाल के मैं अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लूँगी। आज मैंने इसके लिए वेजिटेबल ऑयल लिया है, अदरवाइज़ मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा
मज़े की ग्रिल बनती है। और हम लोग मतलब ईद वाले दिन सिर्फ ये ग्रिल ही बनाते हैं, साथ में खुब्बस होते हैं, हम्मस होती है और तबूले या फतूश सलाद बना लेती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि इस ईद पे मैंने कोई सलाद नहीं बनाया और हुम्मस मैं समझी थी कि शायद मेरे पास एक आधा टिन पड़ा हुआ है हुम्मस का अंदर, लेकिन जब मैंने देखा तो नहीं था। और आई मीन बिल्कुल खाने के टाइम मैंने देखा था, अदरवाइज़ मैं हस्बैंड को भेज के मंगवा लेती। फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैंने बोला कि मैं अब क्या हस्बैंड को स्पेशल हुम्मस लेने के लिए भेजूँ, क्योंकि हम उसे उसके बाद थोड़ा बाहर जा ही रहे थे, तो मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं उन्हें भेजूँ। तो फिर मैंने बीन्स बना लिए थे इसके साथ, वो भी अच्छे लगे थे, तो टिन पड़े हुए थे लेकिन मैं समझी कि वो हुम्मस के हैं, और जब मैंने देखा तो वो हुम्मस के नहीं थे, वो मतलब कि बीन्स के निकले थे, लेकिन बना लिए थे, मज़ा आ गया था। और मैं तकरीबन मुझे 9 ईयर्स हो गए हैं दुबई में रहते हुए, तो मैं ईद वाले दिन जो है वो शुरू से ही ऐसे ग्रिल ही बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी इजी रह जाता है, आपको थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाता है, आपको किचन में बिरयानी कौरमा वगैरह या इस तरह की कुकिंग करने से हट के आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। रात को ये मैरिनेशन करके रख दो, उठो और इसे सिर्फ ओवन में डालो और बनाओ और खा लो, बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है, बहुत ही पिकी रहता है, ईद के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है और पिछले कई सालों से मैं इसी तरह कर रही हूँ। बेशक ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन कोई कुकिंग कर ली जाती है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि ईद के दिनों में घर में माएँ कुकिंग करती हैं और हम बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें कुकिंग करने का टाइम नहीं भी मिलता क्योंकि बाहर आना जाना लगा रहता है, रिश्तेदारों की तरफ ये वो तो चलता ही रहता है सब कुछ। और अभी मैरिनेशन करके मैं फारिग हुई थी और साथ में मैं मेरा शीर खुरमा रेडी हो गया था और मैं ये प्यालियों में डाल दूँगी। मैंने सिर्फ 2.5 प्याली बनाई थी, ये हाफ शीर खुरमे का पैकेट है, तो ये भी मतलब कि 2 अभी ही यूज़ हुई और एक अभी पड़ी हुई है, तो बस इसे फ्रिज में रखूंगी और मिलते हैं। मैं ये नमाज पढ़ने के लिए उठी और नमाज ही आ रही थी बाहर से पड़ी, तो मैंने कहा देखती तो आप आवाजें सुन नहीं रहे हैं, मुझे से आ रही हैं, तो मैं समझी शायद ईद की नमाज हो। तो इस वक्त हर साल इतनी रौनक होती है, यहाँ पर इतने लोग नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं, इतना मेरा दिल बड़ा कि देखो ईद की तरावी पढ़ी जा रही है, तस्बीह पढ़ी जा रही है, लेकिन कोई भी नहीं है, सुनसान है सब, हर एक बंदा भी नहीं है। इस वक्त यहाँ पे ऐसे भीड़ होती है, लोग औरतें मेहंदी लगवाई हुई हैं, अर्बन औरतें मेहंदी लगवाई नहीं हो, मैक्सी पहनी है, बाएँ पहने तो ऐसे आती हैं मस्जिद में, अरबी लोग ऐसे वाइट कंदूरे पहने हुए हैं, और इस साल देखें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे, बहुत ही दुख हुआ, ये आवाज़ सुन सुन के मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी। एनीवेज ये माशाल्लाह से हमने कपड़े रखे थे ईद के जो हम नमाज के लिए उठे पहने, लेकिन अभी नमाज ही नहीं है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला सो के उठेंगे, कपड़े पहनेंगे और बस। तो चले जी मिलते हैं आपके साथ अगले दिन। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, हम लोग उठे थे, नाश्ता किया था, नाश्ता बहुत ही हल्का किया था क्योंकि बिल्कुल कुछ हैवी खाने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक माह के बाद हम लोगों की ऐसी रूटीन होने लगी है, तो कुछ भी हैवी नहीं खाया था और बस एक कॉफ़ी का कप लिया था और साथ में ब्रेड जैम ली थी, बटर ब्रेड लिया था और घर को सारा साफ़ किया था। 2 दिन पहले भी मैंने क्लीनिंग की थी लेकिन फिर से मैंने सारा घर साफ़ किया, बेड शीट्स चेंज की, जो कि एक हर घर में मामूल होता है कि ईद पर हम लोग अपनी बेड शीट्स चेंज करते हैं, कवर सारे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री बास्केट भी खाली कर दी थी, सारे कपड़े जो थे वो धो लिए थे और धो के यहाँ पे रखे हुए थे, लेकिन सैंडस्टॉर्म आया था तो मैंने कपड़े नहीं डाले, किचन भी साफ़ सुथरा हो चुका था और सारा घर नीट एंड क्लीन कर लिया था। और ये लंच का टाइम हो गया था, तकरीबन 2 o'clock का टाइम हो रहा था और मैं जल्दी उठ गई थी, मैं सिर्फ 3 hours सोई थी क्योंकि मुझे ये था कि अभी अपनी रूटीन ठीक की जाए, क्योंकि अगर अभी भी हम लोग 11-12 बजे उठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से बेटे की ई लर्निंग स्टार्ट है। और यहाँ पे मैं ग्रिल को पैन में डाल रही थी, चिकन को पैन में डाल रही थी ग्रिल होने के लिए, और इस तरह मैं इसे पैन में डाल देती हूँ, एल्यूमिनियम लगाने
लगाकर, और ये बन जाता है तकरीबन हाफ आवर लगता है, आधा घंटा लगता है अगर आप 230 फ़ारेनहाइट पे रखते हैं। अगर आप उससे कम रखते हैं तो तकरीबन आपके 40-45 मिनट लगते हैं, लेकिन आपकी चिकन काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप भी ट्राई कीजिएगा सेम मेथड से अगर आपके पास ओवन है तो। ये जो ओवन है ये मैं यूज़ करती हूँ, ये वैनिटा का है और बहुत सारे ब्रांड्स के मिल जाते हैं। ओवन बिल्कुल भी महंगा नहीं है, हम लोग जितनी चिकन को फ्राई करके खाते हैं या किसी और मेथड से खाते हैं ये उससे ज़्यादा अच्छा पड़ता है। एक तो ये चिकन हेल्थी बहुत ज़्यादा होती है और ये ओवन बहुत ही सस्ता मिल जाता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं मिलता, माइक्रोवेव से ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। मैंने ये सिर्फ 200 दरम का लिया हुआ है और अभी माशाल्लाह से देखिए मेरा किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा था। और मैं देखने आई थी ग्रिल बन रही है कैसी बन रही है, तो तैयार हो रही थी और बस यही प्रिपरेशन चल रही थी, बेटे को बात दे रही थी उसके कपड़े चेंज करने के लिए, और हॉल में हस्बैंड बैठे थे अपना कुछ काम कर रहे थे, तो बस यही चल रहा था। मेरा ये था कि जल्दी से हम लोग खाना खा के बाहर निकलें, टाइम पे निकलें और टाइम पे वापस आ जाएं, क्योंकि 8 o'clock पे लॉकडाउन हो जाता है तो हमें उससे पहले पहले वापस आना था। और ये लंच रेडी हो गया था और हम लोग बैठे थे अभी लंच करने के लिए। और ये वाले बीन्स हैं जो ये किडनी बीन्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं और ये काफ़ी मज़े के लगते हैं। मैंने हाइंस के डब्बे के बनाए थे, नेक्स्ट बनाऊंगी दोबारा दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा सकी। तो ये था हमारा मज़ेदार सा लंच जो कि अभी हम खाएंगे बैठ के सुकून से। और आप भी बताइएगा कि आपको हमारा लंच कैसा लगा है, कैसी लगी है आपको ये वाली वीडियो। तो ये काफ़ी पिकी रहता है, काफ़ी इजी लंच रहता है ईद पे। तो बस यही थी दिन की शुरुआत और दिन का मिड हो गया था और काफ़ी अच्छा दिन गुजर रहा था ईद का। बेशक गर्मी थे लेकिन गर्मी भी मसरूफियात इतनी होती है कि बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। लंच से फारिग होकर हमने ग्रीन टी पी, ग्रीन टी पीने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर। और ये एक शॉप है, हस्बैंड को मालूम थी, ये सनाइया में शॉप है, पाकिस्तानी मिठाइयाँ यहाँ से काफ़ी अच्छी की मिलती हैं, तो मिक्स मिठाई ले ली थी। हम लोग जा रहे थे अपनी किसी एक फ्रेंड फैमिली को मिलने के लिए, क्योंकि ईद वाले दिन कोई भी ऐसा बहाना नहीं था कि हम लोग कहाँ जाए। अदरवाइज हम लोग निकल जाते हैं किसी मॉल्स वगैरह में या किसी जगह पर, तो अभी हम लोगों ने कपड़े पहने थे, कपड़े पहन के घर में बैठने का क्या फ़ायदा। तो हम लोगों ने कपड़े पहने, रेडी हुए और रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए थे किसी फ्रेंड फैमिली के घर उनको मिठाई देने के लिए और उनके साथ ईद मिलने के लिए। और बस यही होता है नॉर्मली हमारे ईद के दिनों में। और ये था कि थोड़े 2-3 घंटे हमारे गुजर गए थे, मज़ा आ गया था, लेकिन बाहर बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, कोई भी बाहर नहीं यहाँ पे फिर रहा था, हर कोई अपने अपने घर में था। तो थोड़ा सा टाइम गुजर गया था, मज़ा आया था उनके घर जाने का, उनसे ईद मिलने का। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे अपनी यादों में याद रखें और मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।